हाँ जी, मैं सुरेंद्र नजर एस पी सिंह गोसल, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइजर। अज असी गुरदासपुर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिला ऑफिस में बैठे हैं। साढ़े का जिला प्रधान सुरेंद्र दलबीर सिंह डुगरी और असी जिहड़ा 20 फरवरी तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की कमांड हेठां जो धरना लगा हुआ दिल्ली 20 फरवरी से, वो कंटिन्यू धरना चल रहा है। उस धरने में तरह तरह के जो भी हमने एक्शन किए हैं, चाहे डीसीओ को मेंबरों ने देना है, तहसीलदारों को, एमएलए एमपियां एमपी वगैरह या राज्यसभा मेंबरों को मेंबरों ने दिए, बड़े बड़े कोर्स एक्शन किए, रैलियां किया। दिल्ली में 23 जुलाई को जो है बहुत बड़ी रैली किया और उसके बाद 20 सितंबर को संसद राव किया। उसके बावजूद भी सरकार जी है हमारी सबका सैनिकों दिया हकी मंगों के लिए चिंतित नहीं है, जिसके खमियाजे वजो सानू मतलब मजबूर हो के 25 नवंबर में जोड़ा वा दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जोड़ा रेलवे रेल रोको अंदोलन करना पै रहा अनिश्चितकाल के लिए। अनिश्चितकाल के लिए 25 नवंबर में आप जोड़ा वा रेल रोको अंदोलन कर रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते पब्लिक को जो परेशानी हुए, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे सिर में से पानी निकल चुका है, क्योंकि हरेक तरह का जो भी हमने संवैधानिक तरीके से जितने भी हथकंडे बनाने थे बना के देख लिए हैं और सरकार जो है कस से बस नहीं हुई है। और हम बेनती करते हैं पूरे देश के सबका सैनिकों को कि 25 नवंबर को, क्योंकि ये जो सरकार है उसके बाद चोन जाब्ता लग जाना है, 25 नवंबर ना भुल्यो भरावो। ये आखिरी साडा वड्डा कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके बाद चोन जाब्ता लग जाएगा और फिर कुछ नहीं हम कर सकते अभी। इसलिए हमारा नारा है अभी नहीं तो कभी नहीं। 25 नवंबर को पूरे देश के सबका सैनिक, पूरे देश जेसीओ जवान संतान को मेरे वालों हाथ जोड़ के अपील है कि वध तो वध जिहड़ा वा उत्थे शमूलीयत करो, ताकि कंटिन्यू जिहड़ा वा असीं रेल रोको प्रदर्शन कर सकीए और सरकार नूं झुका सकीए संविधानक तरीके से। हमने कोई ऐसे इहो जी कोई भी कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन फिर भी हमारी नहीं चाहते हम रेल रोको अंदोलन नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे को मजबूरी के कारण करना पड़ रहा है। इसलिए पूरे देशवासियों से भी हम इस बात की जो है माफ़ी मांगते हैं कि हमारे को ये जो रेल रोको अंदोलन कर रहे हैं जिदे नाल पूरे देश के जेडे साडे वासी है उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो वास्ते असी माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी चाहते हैं। ये साड़ी मजबूरी बन चुकी है, इसलिए फिर दोबारा मैं बेनती करता हूँ। हमने ऑलरेडी पूरे, क्योंकि किसानी मोर्चे के भी साड़ी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बहुत वड्डा मतलब योगदान पाया सीगा, 25,000 मैडल वापस करने या होर तरह तरह के एक्शन करने, परेडा करनिया। जदों सरकारां ने गोदी मीडिया ने साडे किसानां नूं अतवादी लगाओवादी कहना शुरू किया, असी किसानी संघर्ष के इस करके योगदान पाया कि असी भी किसानों के परिवारों के बीचों हाँ। हुण असी जिन्हां भी किसान जथेबंदियां ने उन्होंने भी असी अपना मैंबरों उन्होंने समर्थन मंगया, आप हरेक जथेबंदी संयुक्त किसान मोर्चे को भी, जिहड़ा गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने भी और ग्रहां साहब न तो चरूनी साहब न भी असी गुरदासपुर मैंबरों ने दिता है और बाकी जथेबंदियां भी जिहड़ियां जिदा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पन्नू पंधेर वाली संस्था में असी अपील की है। अभी देखते हैं कि हमने सबका सैनिकों ने किसानों के साथ जो योगदान पाया, हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो किसानों के परिवारों के बच्चे जोड़े आ फौज के जाते हैं, आ जी हूँ अग्निवीर योजना आई है, ये भी आने वाले साढ़े जे जनरेशन वास्ते बड़ी घातक सिद्ध होएगी। साड़ी आने वाली जनरेशन और साड़ियाँ किसानों के मजदूर के बच्चे जोड़े आ डिफेंस जाते हैं, वो 4 साल की नौकरी तो बाद काहे जोगे नहीं रह जाएंगे। इस करके साड़ी अपील है कि आओ किसानों, ये खाली सबका सैनिकों का मसला नहीं है, किसानों का मजदूर का ही मसला है, तो आओ साडा साथ दो कि 25 नवंबर को दिल्ली जनता अपना रेलवे स्टेशन से पहुँचो। इनिया बेनतियों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह, राम राम, खुदा हाफिज। मेरा फोन नंबर है 9780-29667, 9780-29667। धन्यवाद।